डिंडोरी जिले में राष्ट्रीय आचार्य विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से 29 मार्च को महावीर जयंती के दिन हथकरघा केंद्र का उद्घाटन किया गया था, जिसका उद्देश्य बेरोजगारों को रोजगार दिलाना है। विद्यासागर जी महाराज का मुख्य उद्देश्य था कि सामाजिक वर्ग का स्तर निम्न वर्ग है, एक तो यहाँ पढ़ाई करने के बाद रोजगार नहीं मिलता, जिसके चलते डिंडोरी जिले के आदिवासी बच्चों को यहाँ से वहाँ दूसरे जिले काम करने के लिए भटकना पड़ता है और आदिवासी बच्चों का शोषण किया जाता है, जैसे कि मजदूरी कम मिलना, जिसके कारण हथकरघा केंद्र खोला गया, जिसका मुख्य उद्देश्य मजदूर वर्ग के व्यक्ति का पलायन होना, मजदूरी के लिए भटकना जैसे कारणों के कारण हथकरघा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश में ऐसे लगभग 35 केंद्र है और हम लोग इस काम में जुटे हुए हैं। ये कार्य हम लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और इससे किसी भी व्यक्ति को बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं कॉलेज BSc करता रहा, उसके बाद में पढ़ाई छोड़ के हथकरघा केंद्र में 4 महीने से काम कर रहा हूँ। मेरा सैलरी महीने में लगभग 9,000-10,000 रुपये है। काम अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, काम अच्छा लग रहा है। हम जॉब के खातिर बाहर विदेश कई बार घूम चुके हैं, कई बार 15,000-20,000 रुपये पैसे भी खर्च कर चुके हैं, लेकिन हमें कोई वहाँ सफलता नहीं मिली। आज हम यहाँ आके बहुत खुश हैं। इस हथकरघा केंद्र में जो संस्थापक हैं उनको हम ये कहते हैं कि बहुत अच्छे से हमें यहाँ डिंडोरी ज़िले में आके हमें काम दिलाया और हम अपने घर गृहस्थी अच्छे से चला सकते हैं। मैं लगभग 3 माह से काम करके आ रहा हूँ। इससे पहले मैं कॉलेज करता था, तो कॉलेज मतलब मेरे घर की स्थिति कुछ ऐसी थी कि अच्छे से पैसे का मेंटेन नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण मैं कॉलेज छोड़ दिया। और मैंने इससे पहले और भी काम किए, जैसे बाहर गया तो बाहर जाके देखा, मैंने मेरे को अच्छा नहीं लगा। वहाँ पर पैसे मिलते तो थे, बट मतलब ऐसे पैसे मिलते थे कि मतलब कुछ वहाँ पर बचा भी नहीं सकता था मैं। तो वहाँ से फिर आ गए, मतलब बहुत सारे कंपनियों में गए और फिर काम भी किए, पर मेरे को नहीं जमा। उसके बाद मैं यहाँ पर आके सेटल हो गया, तो मेरे को महीने का लगभग 9,000 रुपये मिल जाता है और मैं इस काम से बहुत खुश हूँ सर, और अब इस काम में लगा हूँ। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से डिंडोरी में मार्च के अंत में हथकरघा केंद्र की शुरुआत हुई और इस एरिया में इस केंद्र को खोलने का आचार्य श्री की प्रमुख भावना या उद्देश्य जो था वो ये था कि यहाँ पर एक तो सामाजिक स्तर भी निम्न वर्ग का है, लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, पढ़ाई का स्तर पढ़ाई लोग करते हैं लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे शोषण भी होता है, जैसे मजदूरी का कम मिलना इस प्रकार से। तो यहाँ पर हथकरघा केंद्र खोला गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य लोगों को रोज़गार देना, यहाँ पर गाँव से जो पलायन हो रहा है उसको रोकना, यहाँ की जो आदिवासी संस्कृति आदि है जैसे बैगानी साड़ी आदि है उसकी परंपरा को जीवित रखना है। और यहाँ पर हमारे यहाँ पर शुरुआत से हम लोग श्रम का पोषण करते हैं, ना कि श्रम का शोषण यहाँ पर होता है। जैसे कि हमारे यहाँ कोई भी बच्चा आता है प्रशिक्षण लेने के लिए, कोई भी आता है तो उसको सर्वप्रथम 15 दिन का हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, जो कि पूर्णतः निःशुल्क होता है। साथ ही जो लोग अपना काम छोड़ के प्रशिक्षण ले रहे हैं उनका किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो, इसलिए छात्रवृत्ति के रूप में 150 रुपये प्रतिदिन यहाँ पर हम लोग देते हैं, ताकि उनका भरण पोषण चलता रहे। और 16वें दिन प्रशिक्षण के बाद तो हमारा उद्देश्य होता है कि हम उस प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्ति को इतना प्रशिक्षित कर दें कि वो व्यक्ति हमारे यहाँ से 150 रुपये से अपने आप ऊपर हो जाए। और 1-2 महीने में ऐसी स्थिति हो जाती है कि यहाँ पर काम करने वाले लोग 250-300 रुपये एवरेज कमा लेते हैं, अगर मेहनत करते हैं तो 400-500-600 तक कमा सकते हैं। और हमारा उद्देश्य यहाँ पर किसी भी प्रकार का शोषण नहीं, बल्कि शोषण पे रोक लगाने का है। हमारा एक जो भी उत्पाद हमारा यहाँ पे बनता है, श्रमदान के नाम से एक हमारा ट्रेडमार्क है, जो कि भोपाल आदि जगह पर उनके हमारे आउटलेट हैं, जहाँ पर जो लोग अच्छे वर्ग के हैं, जो लोग खादी पहनना चाहते हैं, जो लोग हथकरघा से बने हुए वस्त्र पहनना चाहते हैं, उनके लिए हम सुलभता से अच्छी क्वालिटी के वस्त्र उपलब्ध कराते हैं।
और यहाँ पर जो भी हमारा निर्माण होता है वो यहाँ से या जहाँ जहाँ हमारे लगभग पूरे देश में 35 केंद्र के लगभग आचार्य श्री की आशीर्वाद और प्रेरणा से ऐसे चल रहे हैं, जहाँ पर पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए और स्कूल आदि में बच्चों के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो पढ़ लिखने के बाद किसी भी प्रकार से हीन भावना, बेरोजगारी की भावना का अनुभव ना करें।